प्रातः क्लास चल रहा था 20/11/1967 सोमवार को पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। घोर अंधेरा और घोर सौंधा, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है उसके लिए घोर सौंधा। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं मिला, इन्हीं आंखों से देखता है, इन्हीं आंखों में बुद्धि जाती है, मन जाता है, और जो आंखों का प्राप्ति है उसमें बुद्धि जाती है, मन जाता है। तो घोर अंधेरे में है या रोशनी में? अंधेरे में है। बताया कि सतयुग में तो घोर अंधेरा नहीं होता होगा ना, वहां तो घोर सूझरा, क्योंकि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है ना। ब्रह्मा माने ज्ञान चंद्रमा, आधा समय रोशनी में रहता है और आधा समय अंधेरे में रहता है, नहीं रहता? रहता है। तो जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा आधा समय रोशनी में रहता है, तो वो रोशनी की दुनिया ही तो बनाएगा ना। कौन सी दुनिया? जहां अज्ञान अंधेरे का नाम निशान नहीं होता, रोशनी ही रोशनी, ज्ञान ही ज्ञान है। तो ज्ञान की रोशनी तो सुखी ही सुख है। तो सतयुग में चंद्रमा की ये दिखाते हैं 16 कला संपूर्ण, इतनी रोशनी। तो सतयुग में जो निर्माण किया ज्ञान चंद्रमा ने सुख का, कितना निर्माण किया, कितनी लिमिट, 16 कला संपूर्ण से है। अरे भाई, जितना खुद अर्जन करेगा उतना ही तो अपने बच्चों को देगा। कमाई कम करेगा तो देगा भी कम देगा। तो 16 कला संपूर्ण जो ज्ञान चंद्रमा है उसने 16 कला संपूर्ण सतयुग की रचना की, और जो रचना करेगा तो प्राप्ति भी करेगा कि नहीं। तो पहले 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा वो ही बनती है। कौन? वो ब्रह्मा जो चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा जाता है। ऐसा चतुर्मुखी चारों युगों में है। हाँ, जैसे चार दिशाएं होती है ना, तो चारों दिशाओं में उसका आधिपत्य है। कैसे? कि चारों मुखों को संगठित कर लेता है। नहीं तो अपने संगठन में बांध लेता है तो आधिपत्य हो गया ना चारों युगों में। तो बताया कि सतयुग में कोई नहीं कहेगा हम अज्ञान अंधेरे में है, हमको ज्ञान की रोशनी दो। ज्ञान का सूरज प्रत्यक्ष करो, तो वहां होता ही है, संपूर्ण सूरज होता है, 24 घंटे रोशनी देता है, या 12 घंटे रोशनी और 12 घंटे रात अंधेरा, क्या होता है सतयुग? चौबीस घंटे रोशनी। जैसे आज की दुनिया में भी मिसाल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर 6 महीने का दिन होता है ना। तो ऐसे ही सतयुग और त्रेता आधा कल्प 2500 वर्ष रोशनी ही रोशनी है। सूर्य जैसे छिपता ही नहीं,
तो बताया कि वहां कोई नहीं पुकारता है कि हम अंधेरे में इंसान हैं और हमको आ करके ज्ञान का सूरज चमका दे। अरे वो तो वहां तो चमकता ही रहता है नहीं। हाँ तो बताया वहां इंसान तो पक्के इंसान है ना, आत्म की स्थिति की शान में ही तो रहते हैं ना, कि कोई भूल जाता है। हाँ वहां 24 घंटे आत्म की स्थिति की शान। अरे क्या सोते नहीं है? अरे सोता कौन है, देह सोती है या आत्मा सोती है? आत्मा सदा जागती ज्योति है या वो सोती हुई है? आत्मा तो सदा जागती है। तो जो आत्माएं सतयुग में देव आत्माएं थी, सदा जागती ज्योति थी, उनके सोने का तो सवाल। और सोता कौन है? थकान होती है तो सोता है, बहुत भाग दौड़ करेगा ना, इधर जाओ उधर जाओ, ये जाओ वो जाओ, ये करो वो करो, देह का ही धंधा ज्यादा, तो थकान होगी कि नहीं? और थकान होगी तो फिर नींद भी, हाँ नींद भी ज्यादा आएगी। तो ऐसा कुछ वहां सतयुग त्रेता में, स्वर्ग की दुनिया में, राम कृष्ण की दुनिया में ऐसा कुछ भी अंधेरा और उसका रिजल्ट दुख होता है, सुख ही सुख। बाद में पिछाड़ी में देखो, जब द्वैतवादी द्वापर युग आता है दैत्यों का, बता दिया ना किसा का देख लू, दैत्यों का, दिति की संतान, दिति माने है, दिति माने खंडित हो गई, जिसका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। हाँ कैसे खंडित हो गया? अनेकों से आंख लड़ाना, अनेकों की बातें सुनना, विविचारी ज्ञान सुनना, एक से सुनना नहीं, दिल लगा के मन लगा के, नहीं तो जिल में दिल लग जाता है बस उसी से बातें करने की दिल होती है कि नहीं है? लेकिन विविचारी, विविचारी वाले ज्ञान इंद्रियों से भी खंडित और कर्म इंद्रियों से भी खंडित। कर्म इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय कौन सी है? काम इंद्रिय। तो काम इंद्रिय से द्वैतवादी द्वापर युग में सबसे पहले खंडित हो जाती है कौन? दिति। हाँ तो वो दिति जो है उससे जो संतान पैदा होती है वो दैत्यों की संतान। दिति की संतान बताया ना, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण एक मात्रा बड़ी ना, शिव की संतान शैव एक मात्रा बड़ी ना, विष्णु के फॉलोअर संतान एकमात्र बड़ा वैष्णव, ऐसे ही दिति की संतान दैत्य। चीड़ भाव का काम उनका 24 घंटे बुद्धि में यही लगा रहता है, कैसे कोई सावत कन्या मिले और उसकी चीड़ फाड़ करके रख दे, ऐसी बुद्धि बन जाती है। तो ये जो दैत्यों की दुनिया फिर दिनों दिन बढ़ती जाती है द्वापर युग से या घटती जाती है? बढ़ती जाती, कलयुग के अंत तक जाकर के ऐसी हालत हो जाती है कि ऐसे धर्म का वर्चस्व दुनिया में हो जाता है। मुख्य धर्म चार है ना, देवता इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन धर्म के जो सहयोगी आते हैं कलयुग में, वो फिर तो अति कर देते हैं चीड़ फाड़ की, बस उनका धंधा ही है, उनकी दृष्टि ही ऐसी रहती है। हाँ इसको खोखला करो, इसको खोखला करो, इसकी चीड़ फाड़ करो खुद, उससे सुख बहुत उन्हें मिलता है। क्या सुख मिलता है कि दुख मिलता है? अरे शेर है, खूंखार जानवर है, जानवर है ना, तो जानवर को धंधा क्या है? जानवर का क्या धंधा? जानवर का धंधा है चीड़ फाड़ करना, फाड़ देता है, कोई भी जानवर को पकड़ेगा फाड़ देगा, खाएगा नहीं, कुत्ते का मांस नहीं खाएगा, छोड़ देगा, किसका खाएगा? बढ़िया बढ़िया जो होगा ना जानवर, तो फिर उसका मांस खूब खाएगा, लेकिन चीड़ेगा फाड़ेगा ना, तो उसका धंधा है खूंखार, खून खार। कैसा धंधा?
खून खार कर देना, ऐसा धन। तो ये पिछाड़ी में जाकर के कलयुग के अंत में ये हालत हो जाती है, है? दुख बढ़ता है मनसा का के घटता है, अत्यंत बढ़ जाता है, इतने दुखी हो जाते हैं। वो क्रिश्चियनिटी की दुनिया में तो खास क्रिश्चियंस का देश है ना, यूरोप अमेरिका, हाँ, तो उसमें तो ऐसे राक्षस बन जाते हैं जो भारत में कहते हैं पाताल लोक में रहते हैं। पाताल लोक माने पृथ्वी गोल है ना, तो ऊपर है भारत, उसके दूसरी ओर क्या होगा, अमेरिका, तो पाताल लोक हो गया ना। हाँ, पाताल। तो बताया पिछाड़ी में तो ये पाताल लोकवासी कितने आत्मघात करते हैं, क्या करते हैं, जीवघात। मेंटल टेंशन इतना बढ़ता है कि मेंटल टेंशन में आकर के वो अपनी ही हत्या, अपनी जीव हत्या कर ले, जीव घात कर लेते। तो अति दुखी हुए कि नहीं, हाँ अति दुखी, क्योंकि मन तो सबसे जास्ती इंद्रियों में शक्तिशाली होता है, और जो शक्तिशाली है वो ही इतना कमजोर बन गया है, सुसाइड करने के लिए अनसन्नद्ध हो गया। तो बताया ये गीत पिछाड़ी में ही बहुत बनते जाते हैं, क्या है, हम अंधेरे में हैं, अज्ञान अंधेरे में है, हाँ, अंधेरे में होने के कारण, अज्ञान में होने के कारण हम बहुत दुखी, हे भगवान अब तो यहाँ आकर के क्या करता है, है? इस सृष्टि पर और धर्म पिताओं की तरह 100 साल के लिए ही आता है ना, ज्यादा तो नहीं आता। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो चार सीन की, चार युगों की सृष्टि है, इसमें आकर क्या कर दे, है? तो ज्ञान का सूरज वो चमका दे जो चारों युगों में ज्ञान की रोशनी फेंकता है। आत्मिक स्थिति में रहेगा तो रोशनी फेंकेगा, या देवान में ज्यादा रहेगा तो फेंकेगा, आत्मिक स्थिति। शूटिंग कहाँ होती है, रिहर्सल तब होती है जब सुप्रीम सोल हेवेनली गॉड फादर शिव, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता है, अकर्ता भोक्ता निराकार है, तो वो निराकार शिव इस सृष्टि पर 100 वर्ष के अंदर इस दुनिया की शूटिंग कराने आता है, रिहर्सल कराने आता है। क्या बड़ा डायरेक्टर हुआ ना, हाँ, कैसा डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ना, वो थोड़े समय के लिए आता है, चक्कर लगाता है कि 24 घंटे कारखाने में चला रहता है, हाँ, उसको तो बुद्धि ज्यादा है ना, उसने पढ़ाई पढ़ाई पढ़ी है कि पढ़ा पढ़ाया है हमेशा का, हाँ, जन्म ही नहीं लेता तो वो तो हमेशा का ही पढ़ा पढ़ाया। जो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं वो सब भूल जाते हैं, है? इस जन्म की भी बहुत बातें भूल जाती हैं, पिछले जन्म की तो बहुत ही भूल जाते हैं। तो ये गीत इस समय होते हैं, किस समय, जब बाप इस सृष्टि पर आते हैं, है? ये दुनिया रौरव नरक बनना लगती है, तब इस समय ये गीत बनते हैं। सतयुग में तो ऐसे गीत कोई बनाएंगे भी नहीं है, न बनाएंगे न कोई गाएगा। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को भी डायरेक्शन दे दिया, क्या अब तो तुम पुरुषोत्तम संगमयुगी की ब्राह्मण हो गए ना, ऊंचते ऊंच हो गए के क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए कि शूद्र हो गए, क्योंकि भगवान बाप तो कहते हैं मैं आता हूं तो चार वर्णों की रचना कर देता हूं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, कोई को ऊंचा बनाते हो, कोई नीचा बनाते हो, कहते हैं नहीं मैं नहीं बनाता हूं, अपने अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार खुद ही अपनी ऐसी शूटिंग करते हैं। क्या कोई ब्राह्मण बन जाते हैं फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास ब्राह्मण, कोई थर्ड क्लास ब्राह्मण, कोई फोर्थ क्लास ब्राह्मण,
फोर्थ क्लास ब्राह्मण बन जाते हैं। तो जो फोर्थ क्लास ब्राह्मण बनते हैं ना, वो फिर सूत्रों की लिस्ट में चले जाते हैं। तो बताया चार युग हैं, चारों युगों में ये चार वर्ण बन जाते हैं। सतयुग में पक्के ब्राह्मण, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य। वैश्य क्या? अरे धरणी को चीड़ फाड़ करने का काम शुरू करते हैं कि नहीं, हल चलाते हैं कि नहीं, हल चलाते हैं, चीड़ फाड़ कर देते, तब पैदाइश करते हैं। कहते हैं जितना काम करेंगे कर्म इंद्रियों से उतना ये दुनिया सुखी बनेगी, ऐसे कहते हैं। अरे उनको ये पता ही नहीं है कि कर्म इंद्रियों का काम ऊंचा होता है या ज्ञान इंद्रियों का काम ऊंचा होता है, या ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों से भी कंट्रोल करने वाली कोई इंद्रिय है उसका काम ऊंचा होता है। ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मन। तो मन जो है ना, वो सब इंद्रियों का कंट्रोलर, दसों इंद्रियों का कंट्रोलर है। तो वो जो कार्य करेगा वो तो ऊंचाई काम करेगा ना। तो जो मन है उससे होती है याद। मन से क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। बाकी कोई स्थूल काम करने की बात नहीं है, सबसे ऊंची है याद। किसकी याद? अरे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की याद करेंगे। जो श्रेष्ठ कर्म करने वाला है और श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ नाम वाला होता है संसार में, है तो उसको याद करेंगे तो क्या बनेंगे? श्रेष्ठ बनेंगे। और जो भ्रष्ट कर्म करने वाले हैं, दुख देने का कर्म करने वाले, अच्छा कर्म क्या होता है? सुख देना या दुख देना? सुख देना अच्छा कर्म। तो जो सुखदायी काम करते हैं वो स्वर्ग में ज्यादा सुख भोगेंगे, और दुखदायी काम करते हैं तो दुख भोगेंगे। तो बताया एक है देह और देह की कर्मेंद्रियों का काम है, वो है कर्मेंद्रियां नीचे होती है, होती है कि नहीं? हाथ लटका के खड़े हो जाओ, हाथ भी है कमर का आधा हिस्सा नीचे, कमर से ऊपर का हिस्सा ऊपर, तो हाथ नीचे चले जाएंगे कि ऊपर रहेंगे? नीचे गए ना, तो भ्रष्ट हुए या श्रेष्ठ हुए? भ्रष्ट हुए। ऐसे ही पांव, पांव तो सबसे नीचे। ऐसे ही जो गंध करने वाले हैं, टट्टी पेशाब, वो भी तो इंद्रियां हैं। उन इंद्रियों से ऐसे नहीं कि सभी इंद्रियां दुखदाई ही काम करती है, कुछ न कुछ सुखदाई भी काम। लेकिन ये इंद्रियां ऐसी हैं, है भ्रष्ट इंद्रियां, जिनसे सुख बहुत क्षण भंगुर रह जाती है और दुख दुख अति का बढ़ता, अति का दुख बढ़ता है उन कर्म इंद्रियों से, भ्रष्ट कर्म इंद्रियों से करवाने से। तो रिजल्ट क्या होगा? कर्म इंद्रियां जो फल देंगी, और ज्ञान इंद्रियां भी जो फल देंगी, और जो मन भी जो फल देगा उन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला, वो दुखदाई होगा या सुखदाई होगा? दुख बढ़ेगा ना, दुख बढ़ेगा तो मेंटल टेंशन बढ़ेगा, मेंटल टेंशन बहुत अति का बढ़ जाता है, तो फिर आदमी अपने की शरीर को ही खत्म, वो जानता तो है नहीं कि हम कोई शरीर तो है नहीं, भले तुमने शरीर खत्म कर दिया, शरीर खत्म करने से आत्मा खत्म हो जाती है, मन बुद्धि खत्म हो जाती है? नहीं, न मन बुद्धि खत्म होती है न ज्ञान इंद्रियां खत्म होती है। ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म रूप धारण कर लेती। अरे सोते हैं शरीरधारी, सोते हैं कि नहीं? तो जब सुसुप्ति अवस्था में सोते हैं, कुछ भी कर्म नहीं करते, आंखों से देखते भी नहीं, कानों से सुनते भी नहीं, और कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं? नहीं करते हैं सुसुप्ति। तो वो इंद्रियां सूक्ष्म में कर्म करती हैं कि नहीं?
स्वप्न में करती है ना, तो सूक्ष्म इंद्रियां जो हैं वो तो नष्ट नहीं होती, वो आत्मा के साथ ही जाती है। मन हो, बुद्धि हो, मन को भी कंट्रोल करने वाली आत्मा, उसको कहते हैं बुद्ध बुद्धि। तो बताया कि जो द्वायतवादी द्वापर युग है ना, वो है ब्रह्मा की रात। क्या अज्ञान अंधेरा शुरू हो गया के ज्ञान की चरती कला रह गई, ज्ञान रह गया। अरे तेजी से ज्ञान नीचे उतरता है। द्वापर के आदमी फिर भी ऋषि मुनि कुछ ज्ञानी होते थे, लेकिन वो तो नीचे ही उतरते जाते। क्यों? क्योंकि उन ऋषि मुनियों की संख्या बहुत थोड़ी है ना, और जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करने वाली, भ्रष्ट इंद्रियों का कर्म सिखाने वाली, उनकी संख्या तो बहुत बहुत उतरना शुरू हो जाती है। तो भ्रष्टों का संग का रंग ज्यादा हुआ या श्रेष्ठ का संग का रंग ज्यादा हुआ है? इस दुनिया में भ्रष्ट लोगों का संग का रंग ज्यादा हो गया, तो वो देव आत्माएं जो हैं, हाँ, उनमें क्या एक कमजोरी होती है, वो मात्र देश की आत्माएं हैं। क्या? मात्र देश एक ही है, भारतवर्ष। भारतवर्ष की जो भी भारतवासी आत्माएं हैं, भले 33 करोड़ देव आत्माएं कही जाती हैं, सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरती रहती हैं, तो भी उनमें वो माता का मोह होता है या नहीं होता है सबसे जास्ती। क्या वो मात्र देश की आत्माएं, उनमें माता का मोह बहुत होता है। इसलिए जो भी ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं, उन्हीं के द्वारा तो जन्म लेंगी। ऊपर वाली आत्माओं का कोई पाप कर्म होता है क्या? परम धाम से, आत्मलोक से जो आत्माएं उतरी हैं, उतरती हैं, उनका कोई पाप होता है? नहीं होता। तो वो तो गर्भ से जन्म नहीं, तो किससे जन्म लेंगी? हाँ, इस सृष्टि पर जो भी देहधारी हैं पहले से मौजूद, उन्हीं में प्रवेश करती है। तो वो तो सृष्टि के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक वो मात्र देश वाली आत्माएं हैं, भारतवासी आत्माएं हैं, वो उतरती रहती हैं, और ऊपर से उतरने वाली आत्माएं उनमें प्रवेश करती हैं। जितनी ऊंची आत्मा होगी उतने ऊंचे देवता में प्रवेश करेगी। क्या सबसे ऊंचे आत्मा कौन है? अरे सबसे ऊंचे आत्मा शिव, प्रजापिता लड्डू, प्रजापिता कहता है। प्रजापिता क्यों लिख दिया? हाँ, शिव, शिव माने कल्याणकारी। शिव अकेला नहीं शिव कहना चाहिए, कहना चाहिए सदा शिव, सदा कल्याणकारी। या कभी कभी जब पूछा जाए तब बताऊ, सदा कल्याणकारी या कभी कल्याणकारी और कभी अकल्याणकारी? नहीं, सदा कल्याणकारी। तो वो ऊंचते ऊंच आत्मा जो है वो इस सृष्टि पर है, जैसे धर्म पिताएं पहले जन्म में उतरते हैं ना, पहला शरीर जो धारण करते हैं ना, तो उसमें 100 साल का ज्यादा से ज्यादा पार्ट बजाते हैं और अपना धर्म स्थापन करते हैं। उन धर्म पिताओं ने किसको फॉलो किया? हाँ, सुप्रीम सोल बाप को फॉलो किया, जो सत धर्म की स्थापना करने वाला है। अब सबसे ऊंचे थे ऊंचा 100% सच्चा, वो तो सुप्रीम सोल सदा शिव है, हेवनली गॉड फादर है। वो इस सृष्टि पर है, गर्भ से जन्म तो लेता नहीं, इसलिए है
देह का सुख नहीं भोगता। भोगता है? नहीं भोगता, वो आत्मा का सुख भोगता है। आत्मा माने आत्मा भी कैसी? आत्मा एक होती है मन बुद्धि वाली, और एक आत्मा ऐसी जो सिर्फ बुद्धि की ही प्रधानता होती है। लेकिन वो जब इस सृष्टि पर आती है तो आप समान बनाती कि नहीं? तो एक आत्मा को जरूर आप समान बना जाती है, जिसे कहते हैं तीसरा नेत्र, बुद्धि का नेत्र, त्रिनेत्री। तो वो आत्मा भी बुद्धि में बड़ी तीखी रहती है। वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाती है, जन्म जन्मांतर पार्ट बजाती है। तो बताया के उतरती कला के युग हैं, तेजी से उतरती कला होती है द्वापर और कलयुग में, तो उसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है। और वो रात गहरी गहरी होती जाती है, अज्ञान की रात बढ़ती है कि घटती है? बढ़त है, घटती है, बढ़ती चली जाती है। इतनी बढ़ती जाती है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्या करें क्या नहीं करें। जो सुइसाइड करने के लिए हैं तैयार हो जाते हैं या सुइसाइड करते हैं ना, उन्हें कुछ दिखाई पड़ता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? कुछ नहीं दिखाई, बस उन्हें ये दिखाई पड़ता है बस शरीर को खत्म कर। अब ये तो जानते ही नहीं, तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, और आत्मा तो है वो तो मन बुद्धि रूप है, मन बुद्धि स्वरूप है, और उस मन बुद्धि में वो इंद्रियां भी समाई हुई। मन जो है जिन इंद्रियों को कंट्रोल करता है, वो इंद्रियां मन बुद्धि रूपी आत्मा के साथ शरीर छोड़ करके साथ ही जाती। हाँ, ऐसी कोई आत्माएं हैं जो सुसाइड करती हैं या दूसरों की हत्या कर देती हैं, देह की, जीव की हत्या करती है ना, तो फिर वो आत्माएं जो हैं हत्या करने वाली दूसरों की या अपनी हत्या करने वाली, तो वो आत्माओं को कुछ समय के लिए सूक्ष्म शरीर मिलता है। क्या? उस सूक्ष्म शरीर से जैसे स्वप्न में आत्मा भटकती रहती है, इधर उधर दुनिया में भटकती है ना, हाँ, क्या शरीर छोड़ देती है? शरीर तो रहता है। तो ऐसे ही वो आत्माएं तो शरीर छोड़ करके बस इस दुनिया में भटकती रहती है, भटकती। हाँ, उनमें भी कोई अच्छी आत्माएं, अच्छी तो थोड़ी होंगी ना, हाँ, उनको कहते हैं फरिश्ताई आत्माएं नंबर वन। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनका फर्श वाली दुनिया से रिश्ता टूटता ही नहीं। क्या बोले, शरीर छूट गया या देह छूट गई, लेकिन देह का रिश्ता छूटता नहीं, छूटता है। तो वो आत्माएं सूक्ष्म शरीर से भटकती रहती है, भटकती रहती है, दुख पाती रहती है, क्योंकि देह से तो दुख ही मिलता है ना जास्ती। देह की स्मृति में रहेंगे तो दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? या आत्मिक स्मृति से दुख मिलता है? आत्मिक स्मृति से सुख और देह की स्मृति से दुख मिलता है। तो बताया कि वो ब्रह्मा की रात कही जाती है, जिसमें द्वापर युग से नीचे उतरते उतरते जन्म लेते लेते सब आत्माएं जो हैं क्या इतनी नीचे उतर जाती हैं कि घोर अज्ञान अंधकार में उतर करके कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। जैसे पत्थर बुद्धि बन गई, लकड़ बुद्धि कहो। तो बताया सतयुग में तो सबकी ज्ञान ज्योति जगी रहती है, हा? वो तो ब्रह्मा का दिन है ना? और ब्रह्मा की जो रात है द्वैतवादी द्वापर युग दैत्यों का, फिर कलयुग में राक्षसों का है, हाँ, तो वहां सब की ज्ञान की ज्योति बुझ जाती है, बुझने लगती है, एकदम अज्ञान अंधकार में आ जाती है आत्मा। और तुम बच्चों को तो नंबर वार ज्ञान का तीसरा नेत्र तो बाप आकर देते ही देते हैं कि नहीं देते हैं?
किनको है, तुम बच्चों, इन बच्चों को नहीं, इनको जो जो बाजू में बैठे, पहले नंबर में कौन बाजू में बैठा है? शिव बाप बोलते हैं इन बच्चों को मैं ज्ञान नहीं सुनाता हूं, मैं इसे ब्रह्मा को नहीं सुनाता हूं, क्या मैं तो तुम बच्चों को सुना, तो तुम किसे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठ के सुनते हैं मुख के सामने, माने शिव बाप को तो अपना मुख नहीं है, लेकिन जिस मुख में परमानेंटली प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, उस रथ के सन्मुख बैठ करके सुनते हैं, तो वो सन्मुख बच्चे के लिए कहा तुम बच्चे है। तुम बच्चों को तो तीसरा नेत्र बाप देते हैं ना, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं देते हैं, देते हैं नंबर बाहर देते हैं। अब जैसी जैसी पढ़ाई पढ़ोगे, जैसा जैसा पुरुषार्थ करोगे है? अरे पढ़ाई है ना, तो उसमें सब्जेक्ट होते हैं कौन कौन से, ज्ञान योग धारणा सेवा है? इन चारों सब्जेक्ट में जितना होशियार बनेंगे है? तो तुम बच्चे जो है ओ, उसका रिजल्ट भी अच्छा पाएंगे। हाँ ये जो बताया तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र यहाँ मिलता है, जब बाप इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में कोई मुकर्रर रथ में आकर के पाठ बजाते हैं। और तो कोई दुनिया में तुमको ये ज्ञान का तीसरा नेत्र दे ही नहीं सकता सिवाय एक के। एक माने आत्माओं का बाप नहीं सिर्फ ज्योतिबिंदु, नहीं वो बाप भी जिस मनुष्य सृष्टि में आकर के मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप के मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, तो व्यक्ति हुआ कि अव्यक्त हुआ? अव्यक्त माने जो आंखों से देखने भी नहीं है, आत्माओं का बाप ज्योतिबिंदु शिव आंखों से देखने, अपनी आत्मा ही नहीं देखने में आती, तो बताया कि व्यक्त समय वो सुप्रीम सोल अव्यक्त भी बैठा है और साकार शरीर में प्रवेश है मुकर्रर रथ में, तो व्यक्त भी है। इन आंखों से देखा जा सकता कि नहीं? देखा जा सकता, लेकिन वो तब ही देखा जा सकता है, वो ही देख सकते हैं जो ज्ञान का तीसरा नेत्र अपना पक्का करेंगे। अब जितनी जल्दी आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र पक्का कर लेंगे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, क्या अब सब एक जैसा तो नहीं कर पाएंगे, बिना शुरू हो जाएगा मारा मारी भगत दर शुरू हो जाएगी, तो नंबर वार रह जाएंगे कि सब एक जैसे हो जाएंगे, नंबर वार रह जाएंगे। तो कोई तो 100% 24 घंटे आत्मिक स्टेज में रहेंगे, माने बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र प्राप्त कर लेंगे 24 घंटे का, कोई फिर नंबर वार हो जाएंगे होंगे ही नहीं। हाँ तो वो नंबर वार बनने वालों में भी तुम बच्चे हो, जो ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको बाप आकर देते हैं, बाप के सिवाय और कोई नहीं दे सकता तीसरा नेत्र, क्योंकि ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। क्या कहा? ऐसे नहीं कि ज्ञान सूर्य चैतन्य आकर के तुमको ज्ञान का नेत्र दे देते हैं सीधा, वो क्यों नहीं दे सकते है? हाँ वो दे सकते हैं, देते भी हैं, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो इस मनुष्य सृष्टि में जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जिन ज्ञानियों को दुनिया की बड़ी बड़ी जेंट्री फॉलो करती है, करती है कि नहीं? जो फॉलो करती है वो बुद्धिमान आत्माएं होती हैं या बुद्धू होती हैं? बुद्धू होती है, बुद्धिमान होती है, तो बुद्धिमान आत्माएं जो फॉलो करती हैं, तो जिसको फॉलो करती है धर्म पिता को, वो धर्म पिता जो है वो धर्म पिता भी प्रयास तो यही करता है। कोई भी धर्म पिता है जो है, इस सृष्टि के 10 मुख्य धर्म है ना, है एकदम 100% आस्तिक से लेकर के 100% नास्तिक का धर्म पिता है ना, तो वो
दस प्रकार की धारणा वाले धर्म पिता हैं मुखिया, वो प्रैक्टिस तो यही करती है। क्या क्या प्रैक्टिस करती है? कि हम निराकार को ही याद में रहें, क्योंकि उन्हें भी पता तो चल जाता है ना कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सोल है, सबसे शक्तिशाली आत्मा कौन है? एक ही आत्मा है, सुप्रीम सोल, जो सदा निराकारी स्टेज में रहती है। तो वो प्रयास तो यही करते हैं, कोशिश ऐसे ही करते हैं कि उसको याद करें। खींच के भी याद करते हैं, हठ योग से भी याद करते हैं। हठ योग से याद करेंगे तो ज्यादा दुखी होंगे, ज्यादा दुख प्राप्त होगा, कठिनाई ज्यादा होगी या कम कठिनाई होगी? हाँ, ज्यादा कठिनाई। ये बात गीता में भी लिखा है, देह बद्धिर रबापी दे। क्या जो निराकारी स्टेज है वो देहधारियों के द्वारा बड़ी कठिनाई से वो प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि जो दूसरे धर्म के लोग हैं ना, इस्लामी हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, है, और उनके फॉलोअर्स धर्म पिताएं हो या उनके फॉलोअर्स हो, वो तो ये समझते रहे जन्म जन्मांतर कि हम तो देह हैं। क्या क्या समझते रहे? देह समझते रहे, इसलिए देह को सुरक्षित करके जमीन में गाड़ करके रखते हैं। क्या कि अल्लाह ताला आएंगे, हैं, गॉडफादर आएंगे तो वो हमको जमीन दोज से जगाएंगे और हम मुर्दे में से निकल करके जिंदा हो करके खड़े हो जाएंगे, कयामत के समय में आएंगे, ऐसी उनकी धारणा। अरे वो ये समझते नहीं है कि ये मिट्टी से बनी हुई जो देह है, पृथ्वी, जड़, वायु, अग्नि, आकाश, ये पृथ्वी मिट्टी है ना, तो मिट्टी से ये बनी हुई जो देह है ये तो मिट्टी में मिल जाएगी, तुम भले संभाल के रखो, उनकी कबर बना के रखो सीमेंट की, अरे सीमेंट की नहीं तो सोने की वो उनको घर बना के रखो, लेकिन वो तो फिर भी सड़ जाएगी कि रह जाएगी। वो समझ तो बताया कि उनकी बुद्धि में जन्म जन्मांतर ये नहीं बैठता है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा। बड़ी मुश्किल से जब ताबड़तोड़ विनाश शुरू, अपने सर के ऊपर डंडा बजने लगता है विनाश का, महाविनाश का, अरे अब तो एटम बम बस हमारे ऊपर फटने लगा, तब घबराते हैं, है? और घबराहट में आकर क्या करते हैं फिर, है? घबराहट सरेंडर कर देते हैं। भारत, भारतवासी है ना, जो मानते हैं कि हम आत्मा हैं, है? हम सिर्फ देह हैं? नहीं, तो 33 करोड़ देवताएं क्या मानते हैं? यही मानते हैं कि हम तो आत्मा भी है और देह भी है, लेकिन मुख्य क्या चीज है देह में? आत्मा। तो आखिरकार फिर भारत को सरेंडर कर दिया। फिर क्या हुआ? अरे फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। क्या? वो चिड़िया जो ज्ञानियों के पंखों से उड़ती है ना, कोई बहुत ऊंची उड़ती है, कोई नीची नीची स्टेज में उड़ती है, उड़ती है ना, ज्ञान की परी कह दो, तो वो परियां और सारा ले गई, सारा ज्ञान चुंग गई, है? जो असली ज्ञान की चीज थी कि मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा का बाप ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा है, और उसको तभी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकेंगे जब हम अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझें, और ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके जो ज्योति बिंदु की स्टेज में टिकने में 100% परफेक्ट जो हो जाएगा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप आदम, तो फिर उसकी सहयोग से हमें क्या होगा, हम भी क्या करेंगे, हम भी उसके संग के रंग से चले, देह का ही संग करेंगे तो भी हम आत्मिक स्थिति में आकर के प्राप्ति करेंगे या नहीं करेंगे? आत्मिक स्थिति में आएंगे और फिर ज्यादा से ज्यादा उस परमात्मा पार्ट जिसे कहा जाता है, परमात्मा, आत्माओं के बीच में परम पार्ट धारी हीरो आत्मा,
का जितना संग करेंगे, भले देह का ही संग ज्यादा करें, छोटी ज्योति बिंदु आत्मा सूक्ष्म नहीं याद आए तो भी देह भी याद आए बड़ा रूप, तो भी क्या होगा, हमारा कल्याण होगा या नहीं होगा? हो ही संग के रंग की बलियारी है या नहीं, सत्य संग की बलियारी है या झूठ संग की बलियारी? तो उसकी देह भी सत्य है इस दुनिया में, सत्य माने अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होगा। और असत्य माने, असत्य माने जैसे गीता में ना असते विद्यते भावो ना भावो विद्यते, जो सत्य है उसका कभी इस दुनिया में अभाव नहीं होता, और जो असत्य है वो तो आज है कल खलास। जैसे बड़े बड़े महाद्वीप हैं, उन बड़े बड़े महाद्वीपों में और बड़े बड़े धर्म पिताओं के फॉलोअर्स का राज्य चल रहा है ना, आज चल रहा है ना, हाँ, तो कितने भी बड़े महाद्वीप हो, एशिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी हो, भले बड़े बड़े हैं तो भी उनका विनाश होता है या नहीं होता है, कि वो इस सृष्टि पर बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे? ये तो सागर है ना, ज्ञान सागर है, जिस ज्ञान सागर से, जिस एक ही ज्ञान सागर से तुम ढेर के ढेर 500 700 करोड़ बच्चे प्राप्ति करते हो, क्या करते हो कि नहीं है? चाहे सन्मुख बैठने वाले हो, चाहे सन्मुख बैठने वाले नहीं है, आधार मूर्त आत्माएं हैं, चाहे बहुत दूर रहने वाले हैं, लेकिन प्राप्ति किससे करते हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति एक व्यक्तित्व ही से प्राप्ति करते हैं, जो व्यक्त रूप में इन आंखों से देखने में भी आता है, निराकार भी है, लेकिन उस निराकारी को शिव सदा शिव आकर के हेवनली गॉड फादर आप समान क्या बना के जाते हैं, निराकारी बना करके, निर्विकारी निरहंकारी बना कर जाते हैं। तो बताया कि जो और धर्म पिताएं हैं वो तो इसी गुमान में रहते हैं कि इस दुनिया में हम बड़े बड़े जमीन के मालिक हैं, बड़े जमींदार हैं, इतने बड़े बड़े जो महाद्वीप हैं पर हमारा कब्जा है, अमेरिका वाले समझेंगे ना ऐसे, हाँ, अफ्रीका वालों के ऊपर यूरोप वासियों का अधिकार रहा कि नहीं, हाँ, तो वो कहेंगे कि हाँ ये हमारा अधिकार, या अफ्रीका वालों के ऊपर मुसलमानों का भी अधिकार, इस्लामियों का अधिकार रहा ना, तो वो कहेंगे इन बड़े बड़े जो हैं उन पर हमारा अधिकार, और एशिया का जो बड़ा हिस्सा है भारत को छोड़ करके वो भी क्या समझते हैं, अरे चीन भी नास्तिक बन गया, और ये सारे जितने हैं यहाँ कजाकिस्तान, ये पाकिस्तान, ये सारे क्या हैं, ये सब नास्तिक, किसी आस्था का, किसी साकार के ऊपर आस्था है उनको इस दुनिया में? किसी के ऊपर आस्था नहीं, जिसकी आस्था होगी तो फिर उसकी लल्लो चुप्पो आदि से अंत तक करेंगे कि नहीं, अरे वो किसी की लल्लो चुप्पो नहीं करता, जो उनकी देह को सुख देगा जब तक देगा तब तक लल्लो चुप्पो, और जब सुख देने का काम बंद कर देगा दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा, तो बस एकदम बुद्धि उनकी हट जाती। तो देखो किसी साकार के ऊपर विश्वास करते हैं, नहीं करते, नास्तिक हुए, आस्तिक हुए, नास्तिक। तो वो ज्ञान सागर एक ही है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाने वाला है, जिससे तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, उससे हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, कोई बच्चे कहें हमको मिलता है उससे, तो उसको किससे मिलता है? वो जिससे लेता है हम भी उसी से लेंगे, ऐसा अहंकार कोई को आ सकता है कि नहीं?
तो जो धर्म पिताएं और हैं, बाद में आने वाले हैं, सुप्रीम सोल गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर के बाद आते हैं, उनको यही अहंकार रहता है कि हम तो जो ऊंचे ऊंचे निराकार हेवनली गॉड फादर है, हम तो उसको मानते हैं, हम किसी साकार देवी देवता को नहीं मान रहे। और अगर कुछ मानेंगे भी तो फिर जो ऐसे हैं जो फरिश्ता बन गए, जिनका फर्श की दुनिया वालों से, साकार शरीरधारियों से कोई रिश्ता नहीं है, हम उन फरिश्ताओं को मानते हैं। जैसे उनमें मुख्य है जबराइल, तो वो जबराइल की बड़ी मिन्नत करेंगे, बार बार आवाहन करेंगे, बार बार याद करेंगे। तो उनकी शूटिंग करने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में कोई होंगे कि नहीं अभी? हाँ, वो भी है। क्या सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो ब्राह्मण बनते हैं, वो ब्राह्मण तो क्या उन गिरती कला वालों में उतने ज्यादा प्रभावित नहीं होते। उनमें भी सूर्यवंशी तो बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, वो तो अपने धर्म के पक्के रहते। ये सच रूपी जो झाड़ है ना अनेक धर्म का, उसमें वो तो सिर्फ एक ही तने में रहते हैं, नीचे से ऊपर तक जो एक ही तना जाता है, सत्य सनातन देवी देवता सनातन धर्म का पक्का सूर्यवंशी तना उसी में रहते। बाकी जो दूसरे हैं चंद्रवंशी, वो चंद्रमा को फॉलो करने वाले हैं। तो चंद्रमा को फॉलो करने वाले जो हैं, वो तो चंद्रमा दिन में भी रहता है और रात में भी रहता है, आधा समय दिन में दिन की ओर बढ़ता है, रोशनी की ओर बढ़ता है, आधा समय अंधेरे की ओर बढ़ता है। तो वो चंद्रवंशी आत्माएं भी कुछ ऐसी हैं जो नीची कला में जाती है। जैसे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले देवात्माएं, और बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाली देवात्माएं, ये 33 करोड़ के अंदर ही हैं सब। तो ऐसे नंबरवार हैं बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाले, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले, या तो उनके जो सहयोगी धर्म बाद में आते हैं उनमें कन्वर्ट होने वाले, वो भी हैं। तो बताया तो जो कन्वर्ट होने वाले देवात्माएं हैं, वो तो सत्युग में भी बाद में आएंगे, बाद की पीढ़ियों में कि पहले आ जाएंगे, बाद के जन्मों में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं, उस मुकर्रर रथ को बाद में पहचानते हैं या पहले पहचानते हैं? नंबरवार हैं जो इस्लामी धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे विधर्मी, वो पहले पहचानेंगे, और जो पहले पहचानेंगे विधर्मियों में कन्वर्ट होंगे, और फिर जब ताबड़तोड़ इस दुनिया का महाविनाश होगा तो क्या करेंगे है? क्या करेंगे है? कुछ करेंगे कि नहीं? वो फिर पहले मरेंगे। कहां से? इस्लाम धर्म से अपनी मौत कर लेंगे। मौत कर लेंगे माने श्रद्धा विश्वास हट जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा पहले कौन मरेंगे? पहले इस्लामी मरेंगे। वो इस्लामी नहीं जो अपने धर्म के पक्के होते हैं, वो इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं जो मातृ देश की आत्माएं हैं, भारत को मानने वाली भारतवासी हैं, भारत के ऊपर जिनकी श्रद्धा विश्वास है, तो वो आत्माएं जो हैं वो पहले हैं अपनी जो 2500 साल से धारणाएं बनाते चले आते थे, उन धारणाओं को धक से छोड़ेंगे और किधर आ जाएंगी? देवी देवता सनातन धर्म की तरफ झुक जाएंगे।
तो वो ज्ञान सागर को जल्दी पहचानेंगी विधर्मियों के बीच में या बाद में पहचानेंगी? हाँ, विधर्मियों के बीच में वो ही सबसे पहले पहचानेंगे। तो वो ज्ञान सागर एक ही है जो तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। नंबर वन, ज्ञान के सागर अनेक तो नहीं होते हैं, भले खंड खंड कर दिया है सागर को। जब से ये महाद्वीप इस सृष्टि पर समंदर से बाहर आए हैं और उनमें उनकी फॉलोअर्स की जेंट्री बढ़ी तो उन्होंने अपना अपना सागर भी बंटवा रखा। लेकिन वास्तव में तो सागर एक ही है, सारे ही दुनिया के जितने भी सागर हैं एक ही सागर से सबका कनेक्शन है, सभी सागरों से के कनेक्शन कट है, कनेक्शन एक ही सागर का है ना। हाँ, तो बताया ज्ञान के सागर अनेक नहीं होते हैं, जिसे सागर कहा जाता है। हाँ, महा शब्द लगाए देते हैं, महासागर, जैसे ब्राह्मण में लगा देते हैं महा ब्राह्मण। कर्म कैसे करते हैं? महाब्राह्मण नीच कर्म करते हैं कि उच्च कर्म करते हैं? नीच कर्म करते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, भले हैं तो ब्राह्मण ना, तो ब्राह्मणों के साथ ऐड हो गए ऊंच ब्राह्मण। जिंदगी भर नीच कर्म करते गए और अंत में जाकर के जो ऊंची कैटेगरी के ब्राह्मण हैं उनसे जुड़ गए तो क्या हुए? महाब्राह्मण हुए ना। तो नीचे हुए, नीचे होंगे या ऊंचे होंगे? नीचे। ऊंचे? ऊंचे। अच्छा, ऊंचे कैसे? लास्ट में जाके जुड़े ना, तो नीचे ही ब्राह्मण हुए ना, तो महाब्राह्मण। ऐसे ही कहते हैं महाविष्णु। क्या महाविष्णु माने? जो महान के महान विष्णु है कहा जाता है। लेकिन कर्म, कर्म कैसे करता है? नहीं, जाता है शुक्राचार्य के परिवार में और शुक्राचार्य की जो अम्मा है, शुक्राचार्य घर में होते नहीं तो उनकी अम्मा को हत्या कर देता है। तेरे की नहीं, कैसा विष्णु है, सत्यानाश कर दिया। अरे विष्णु तो ऊंचते ऊंच देवता माना जाता है, उसका नाम बदनाम करके रख दिया। क्यों? वो कौन सा महाविष्णु हुआ? ऊंचते ऊंच विष्णु कौन हुआ? और उसमें ऐड होने वाला जो बाद में ऐड होता है तो महाविष्णु कहा जाता है, वो कौन हुआ? जो आदि नारायण है वो है महाविष्णु। क्यों, कैसे? विष्णु माने स्त्री और पुरुष दोनों मिल गए तो विष्णु हुए, उसको विष्णु कहा जाता है। जिनके संस्कार मिलकर के स्त्री पुरुष के एक हो जाएं, स्वभाव संस्कार, तो देह है, देह क्या हो गई? प्रकृति, प्रकृति हो गई ना, प्रकृति माता है। और प्रकृति माता का पति, प्रकृति पति, वो प्रकृति पति कौन हुआ बता? अरे इतनी देह, प्रजापिता, जो सारी सृष्टि का पिता है ना, वो पिता भी बनता है और सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं का पति भी है। पति माने रक्षा करने वाला है कि नहीं? तो बताया कि वो प्रजापति जिसे कहा जाता है और वो उसका शरीर अम्मा का पार्ट बजाता है, बड़े से बड़ी अम्मा की छोटी से छोटी अम्मा, नंबर वार अम्मा। बताया कि महाविष्णु समझ गए कौन हुआ? तो महा शब्द लगा, इसका मतलब है कि महा बाद में लगा कि पहले लगा? बाद में लगा महा, जैसे महाब्राह्मण है। तो जो ऊंचते ऊंच विष्णु है, ऊंचते ऊंच ही कर्म करता है और ऊंचते ऊंच ही सुख अतीन्द्रिय सुख भोगता है सदाकाल शरीर से, संपन्न पुरुषार्थ होता है,
तो सदाकाल ऊंचते ऊंच सुख भोगेगा कि नीचे सुख भोगेगा? मन से भी, हाँ, पुरुषार्थी जीवन में भी मन से खुश रहेगा या दुख रहे, दुखी होगा, मन से सुखी होगा, बुद्धि से भी सुखी होगा, बुद्धि में ही तो सारा ज्ञान टन समाता है ना। तो ज्ञान के जो रत्न मिलते हैं ना, उन रत्नों की खुशी में खुशी जैसी खुराक नहीं। मन बुद्धि को क्या खुराक चाहिए? खुशी की खुराक चाहिए। तो वो तो हुआ एक है, जो ऊंचते ऊंच विष्णु का पार्ट बजाने वाली ओरिजिनल आत्मा है। लेकिन एक ऐसी भी आत्मा है जो अपने स्वरूप को पहचान तो लेती है, क्या कि मैं भी विष्णु रूप धारण करने वाली हूं, लेकिन चोला स्त्री है। क्या स्त्री चोला या पुरुष चोला? स्त्री चोला। तो स्त्री चोला होने के कारण जो शिव बाप उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश कर पाएंगे? हाँ, नहीं कर सकते। एक तो चोला भी स्त्री, और जन्म जन्मांतर के जो जन्म भी हैं वो भी, वो कौन से, स्त्री के या पुरुष के? है स्त्री के पुरुष जन्म, तो स्त्री के ही स्वभाव संस्कार, स्त्री का ही चोला, तो माता के संस्कार होंगे या पिता के संस्कार होंगे? देह से माता के संस्कार। क्या आत्मा तो पुरुष होती है, लेकिन आत्मा में भी माता के संस्कार ज्यादा, जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार उस आत्मा में कौन से पड़े हुए हैं, कौन सा जन्म लेने के, स्त्री चोले। तो बताया कि वो मोह ममता ज्यादा रहती, तो जहां वो आत्मा जन्म लेती है, ब्रह्मा से ही जन्म लेगी ना, अरे राधा कहां से जन्म लेती है? वो पुरुष चोले हैं पार्ट बजाने वाले षष्ठी रूपी रंगमंच पर, उसमें दिखाते हैं भक्ति मार्ग में कि कृष्ण है सबसे ऊंचे के ऊंचा भगवान, है कहां की यादगार? वो सतयुगी कृष्ण की 16 कला संपूर्ण की यादगार है क्या? नहीं, यादगार तो सारी संगम युग की होती है ना। तो संगम युग में जो कृष्ण वाली आत्मा है, कृष्ण माने आकृष्ट करने वाली, सारी दुनिया को आकर्षित करने वाली, वो कौन है, समझ में आया कि नहीं? सारी दुनिया को आकृष्ट करने वाली आत्मा है, कौन है? सारी दुनिया को आकृष्ट करने वाली आत्मा शिव बाप, नहीं शिव बाबा। बाबा माने कोई शरीरधारी ऐड हो गया शिव के साथ, कोई शरीरधारी है देह, जिसका नाम पड़ता है बाबा, टाइटल पड़ता है ना बाबा, चाचा मामा नाना काका ताऊ, ये जो संबंध के टाइटल पढ़ते हैं, ये देह के पढ़ते हैं कि आत्मा के पढ़ते हैं? देह के पढ़ते हैं। तो जो बाबा हुआ तो जरूर कोई देहधारी, तो कौन सा देहधारी? जिस मुकर्रर रथ में वो शिव ने प्रवेश किया मुकर्रर रूप से, वो हुआ शिव बाबा। वो जो शिव बाबा है वो पुरुष चोला या बॉम्बी, क्या कहेंगे, बाबा कहेंगे या बाई कहेंगे? बाबा कहेंगे। तो शिव बाबा कहा जाता है मंदिरों में, सबसे जास्ती मंदिर शिव के बने हुए ना, तो लोग जो जाते हैं तो क्या कहते हैं, शिव बाबा। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि वो बापों का बाप भी है और बाबाओं का बाबा भी है। जब आत्मिक स्टेज में है तो बापों का बाप, और जब देह में प्रवेश करता है तो जितने भी दुनिया में बाबाएं हैं, जन्म जन्मांतर बाबाएं होते हैं कि नहीं, बाप का बाप क्या कहा जाता है, बाबा, उसका भी बाबा, बाप क्या कहा जाएगा, बाबा। पिता होता है,
पिता का पिता होता है, बाबा उसका भी पिता होता है, पर पिता हुआ ना उसको भी बाबा ही तो कहेंगे। तो बाबाओं का बाबा साकार रूप में तो बताया, तो वो ज्ञान सागर एक ही है जो विष्णु पद सबसे ऊंची स्टेज का सुख अतीन्द्रिय सुख भोगता है। आत्मिक स्थिति में रहेगा, अपनी आत्मा का ज्ञान होगा तब भी, और आत्मा का आत्मिक स्टेज में टिकने का पुरुषार्थ संपन्न बनता है, है? और कैसा पुरुषार्थ बनता है कि आत्मा की प्रत्यक्षता हो जाए ब्राह्मणों की दुनिया में। आत्मा माने, आत्मा का मतलब क्या हुआ, देहभान कम और आत्माभिमान ज्यादा, माना वो आत्मा भले ज्योतिबिंदु की स्टेज में स्थिर नहीं रहती है लगातार, संक्षेत्र से जब से प्रत्यक्षता होती है बाप की प्रत्यक्षता वर्ष, लेकिन मनन चिंतन मंथन में तो रह सकती है ना, तो मनन चिंतन मंथन में रहेगी तो देह स्थूल देह से परे हो गई, या स्थूल देह के अंदर रही परे हो, तो सुख में रहेगी या दुख में रहेगी, सुख की स्टेज में रहेगी। तो बताया आत्मिक स्टेज में वो विष्णु स्वरूप है, भले देह के साथ है तो भी विष्णु रूप है या नहीं, इसलिए बताया ना इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, संक्षेत्र में हुआ। तो संक्षेत्र जो है लक्ष्मी नारायण है, स्वभाव संस्कार से दोनों आत्माएं कंबाइंड होकर के एक होती हैं आत्मिक रूप में या नहीं होती, आत्मिक रूप में एक होती है, लेकिन फर्क रहता है। क्या फर्क रहता है, एक जो है सुख भोगती है साक्षात्कार बंदाओं के आधार में, और दूसरी जो सुख भोगती है वो बुद्धि के तीसरे नेत्र के ज्ञान के आधार पर सुख भोगती है। तो क्या ऊंचा हुआ, बुद्धि का आत्मा का सुख जो है, बुद्धि प्रबुद्ध हो जाना, वो सुख होना, जागते रहना, बुद्धि का काम क्या है, जागना। तो ज्ञान में जागृत स्टेज में जो रहे जो आत्मा, तो बताया वो आत्मा ज्ञान का सुख भोगती है। और शिव आकर के क्या प्रॉपर्टी देते हैं, अखूट ज्ञान का भंडार देते हैं, भले बेसिक में भी देते हैं और एडवांस में भी देते हैं मुकर्रर रथ के द्वारा, लेकिन देते अखूट ज्ञान का भंडार देते हैं ना, तो ज्ञान के आधार पर सुखी होती है। और जो दूसरी आत्मा है ना, राधा कहो आदि लक्ष्मी कहो, वो किस आधार पर सुख भोगती है, बंदाखों के साक्षात्कार के आधार पर सुख। तो बंदाहों का साक्षात्कार के आधार पर सुख जो हुआ, जैसे ब्रह्मा बाबा को सुख हुआ, कौन सा सुख हुआ, बंदाहों का साक्षात्कार किया और उसका बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र के द्वारा क्लेरिफिकेशन मिला, है? तो पक्का निश्चय बैठा कि नहीं, बैठ गया। तो अब राधा को भी बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र के द्वारा सारा क्लेरिफिकेशन मिलना चाहिए कि नहीं, हाँ मिलना चाहिए, लेकिन वो स्त्री चोला है इसलिए मोह में आ जाती है। जब से आत्मा का ज्ञान मिलता है मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूँ, ये तो ठीक है, पता लग जाता है कि मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूँ, लेकिन हाँ क्योंकि वो पराशक्ति है, प्रकृति कैसी है, परा प्रकृति, दो प्रकार की प्रकृति, एक दैहिक प्रकृति देह भाव वाली और दूसरी आत्मभाव वाली। तो आत्मा के स्वरूप को जल्दी पहचानेगी ना, पहचानती तो जल्दी है, है? और जल्दी आत्मिक स्टेज में टिकती भी है, लेकिन जो आत्मिक स्टेज में टिकने वाली बात जो है वो साक्षात्कार का आधार लेकर के, क्योंकि जिससे पैदाइश हुई है उसके ऊपर विश्वास है या उसके ऊपर ज्यादा विश्वास रहता है, लंबे समय तक शरीर रहते रहते जो मुकर्रर रथधारी है,
मुकर्रर रथधारी को है, जब से आत्मा का परिचय मिलता है पहचान पाती है, है? नहीं पहचान पाती। वो पहचान तब होती है जब बंधाहों का साक्षात्कार हो। तो बताया, जब तक बुद्धि का साक्षात्कार न हो, बुद्धि ज्ञान के आधार पर सारा न पहचाने, क्योंकि लक्ष्मी को कहो राधा को कहो, जो ज्ञान का भंडार मिलता है, ज्ञान रतन मिलते हैं, किससे मिलते हैं? जो गुह्यात गुह्य तरम ज्ञान गुह्य ते गुह्य राज समझाता हूं, एडवांस ज्ञान किससे मिलता है? ब्रह्मा से मिलता है? ब्रह्मा से तो नहीं मिलता। वो मिलता तो फिर भी मुकर्रर रथधारी से, जिसका वो बंदाहों से साक्षात्कार कर लेती है। कर लेती कि नहीं? हाँ, तो खुशी में रहती है। हाँ, ये पक्का निश्चय हो जाता है जीवन में। और वो जैसे कुमारका दादी बोलती थी, मैं तो ब्रह्मा बाबा की गद्दी लूंगी। क्या ब्रह्मा बाबा की गद्दी मेरे सिवाय कोई दूसरा ना लेने दूंगा, मैं ही हूं। तो प्रैक्टिकल जीवन में ली कि नहीं ली? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो गद्दी पे कौन बैठ गई? ब्राह्मण परिवार का कंट्रोलिंग किसके हाथ में आ गया? कुमारका दादी। भले ब्रह्मा बाबा ने बोला के मोहिनी दीदी सारा कंट्रोल करेगी हेड ऑफिस में, है? और कुमारका दादी जो है असिस्टेंट के रूप में, क्लर्क के रूप में सहयोगी बन के रहेगी। लेकिन फिर हुआ क्या? उन्हें रहने दिया? नहीं रहने दिया। वो माया बेटी बड़ी प्रबल है। तो ऐसे ही जैसे जो कुमारका दादी थी, उसने अपने जीवन में ये पक्का ब्राह्मण जीवन में संकल्प कर लिया कि ब्रह्मा बाबा की गद्दी मैं लूंगी। ऐसे ही जो वो आत्मा है, जो आत्म की स्थिति में टिकती है, स्त्री चोला वाली, वो क्या पक्का करती है? क्या कि अगर लक्ष्मी बनूंगी पहले नंबर की तो मैं ही बनूंगी। पहले नंबर की माने आदि लक्ष्मी। तो आदि लक्ष्मी है अज्ञान काल में, वैसे ज्ञान काल में जिसके बनने का लक्ष्य हो गया हो, तो फाउंडेशन तो पड़ गया ना। तो फाउंडेशन जो है संक्षेत्र में पक्का रूप धारण कर लेता है जब उसे साक्षात्कार होने लगते हैं। साक्षात्कार के आधार पर पक्का हो जाता है कि लक्ष्मी तो मेरा ही पार्ट, किसी और का पार्ट है नहीं। हाँ, कुमारका दादी के भी मुंह से निकल जाता है, क्योंकि जो एडवांस ज्ञान की बातें हैं ना, जो 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 वाणी चलती है ना, हाँ, वो तो बड़ी बड़ी दीदी दादियां दरवाजे बंद करके आराम से सुनती है। असिस्टेंट बहनों को नहीं सुनने देंगी। माया क्या करती है? माया माया भी काम करेगी कि नहीं? छुप के करेगी के मैदान में करेगी? छुप के काम ऐसे करती है। क्या कैसे? चोर बाजारी, क्या कहते हैं उसको, ब्लैक मार्केटिंग। हाँ, तो ये ज्ञान के धंधे की, ईश्वरीय ज्ञान की ब्लैक मार्केटिंग चलती है बड़ी बड़ी दीदी दादियों के अंदर। वो खुद तो सारा एडवांस ज्ञान लेती है, लेकिन हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में और जो दुनिया में जो भी संस्थाएं भारत में भारतवासी फैली हुई हैं, उन भारतीय संस्थाओं में ब्रह्मा कुमारी तो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है, चारों तरफ दुनिया में फैलती है ना। जितने केंद्र ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तीव्र गति से बढ़ते जाते हैं, उतना और कोई धर्म संस्था के भारत में बढ़ते हैं क्या? नहीं बढ़ते हैं। तो इतना प्रभाव वर्चस्व बढ़ जाता है कि जैसे रावण को अहंकार हो गया कि सारी दुनिया तीनों लोग मेरे कब्जे में, अब भगवान हो तो मेरे से टक्कर लेके दिखाए। तो ऐसे ही अहंकार आ जाता है क्या? हाँ, तो वो अहंकार जो है देह समझने वाले को तो आएगा, लेकिन जो अपन को आत्मा समझेगा उसको आएगा? उसको नहीं आएगा। तो वो बताया, आत्मिक स्थिति में टिकने वाली जो परा प्रकृति है, वो तो
स्त्री चोला होने के कारण ब्रह्मा बाबा की बच्ची बनी ना, चंद्रमा की बच्ची बनी ना, जो चंद्रवंशी हुई कि नहीं, फर्स्ट क्लास चंद्रवंशी कन्या हुई। वैसे भी कंडुआओं को और कन्याओं को उठा के देख लो, ज्यादा बढ़िया पढ़ाई दुनिया में कौन पढ़ते है, कंडुए या कन्या? कन्या। तो जो भी कन्याएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा की औलाद बनती हैं, उनमें सबसे अच्छी कन्या सुकन्या जिसे कहें, एक कथा आती है ना, एक च्यवन ऋषि महाराज की कथा आती है और उनकी पत्नी सुकन्या की कथा आती है। सु माने सुंदर, कन्या माने कन्या, और च्यवन माने ऊपर से जो नीचे उतरता है, खराब तरीके से नहीं, ऐसे नहीं ऊपर से उतरा तो एकदम नीचे गिर गया गड्ढे में, नहीं, धीरे 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 या एकदम नीचे धीरे धीरे। तो जो आत्माएं ऊपर से सत्युग से जन्म लेते लेते नीचे इस सृष्टि पर कलयुग के अंत तक 84 जन्म के चक्कर में नीचे उतरती है, कौन श्रेष्ठ हुई? जो धीरे धीरे नीचे उतरती है वो श्रेष्ठ, या जो एकदम नीचे उतर पड़े वो श्रेष्ठ? धीरे धीरे। तो उनका च्यवन ऋषि नाम पड़ा शास्त्र में, च्यवन माने नीचे उतरने वाले, कैसे नीचे उतरने वाले, धीरे धीरे नीचे उतर। तो बताओ धीरे धीरे नीचे उतरने वाली आत्माओं में अव्वल नंबर आत्मा को ओहो, एक की बुद्धि में आया स्त्री चोला और एक की बुद्धि में आया पुरुष चोला, एक लिखता है राम और एक लिखता है लक्ष्मी। अरे भाई, माता जी ने लिखा प्रजापिता। सबसे धीमी गति से उतरने वाली आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों सीन में कौन? प्रजापिता। लेकिन वो तो पुरुष चोला, स्त्री चोला, पुरुष चोला। और जो स्त्री चोला में कौन है? लक्ष्मी। वो आत्मा जो है परा प्रकृति, जो अपरा प्रकृति है, नीची स्टेज का पार्ट बजाने वाली, तो वो अपरा प्रकृति देहभान वाली होती है और परा प्रकृति आत्माभिमान वाली होती है। तो जो आत्माभिमान वाली प्रकृति है वो अगर ज्ञान सागर के साकार में प्रैक्टिकल में संसर्ग संपर्क में आ जाएगी तो तीव्र गति से ऊंची उड़ेगी, उठेगी प्योरिटी की पावर के कारण के धीरे धीरे उठेगी। तीव्र गति से। तो जैसे बताया कन्या कौन सी अच्छी, बाबा बताते कन्या वो अच्छी जो अपने पीहर कुल का भी उद्धार करे और ससुर घर का भी होता है। तो वो जो च्यवन ऋषि की कन्या बताए, वो पत्नी बताई ना, वो सुंदर से सुंदर कन्या है संसार की। कथा बनाई दी क्या च्यवन ऋषि कैसे थे मालूम है किसी को? नहीं। अरे च्यवन ऋषि अंधे थे क्या? आखिरी जन्म में नीचे उतर के क्या बन गए? एकदम अंधे बन गए। तो कन्या ने क्या किया? कन्या ने वो जो अश्विनी कुमार है ना, उनसे चिकित्सा हुई और वो दुनिया के ऊंचे से ऊंचे वैद्य, वो दोनों साथ साथ रहते हैं अश्विनी कुमार, अकेला नहीं। तो कोई तो आत्माएं होंगी जो सदा साथ साथ रहती हैं। कोई है या नहीं? नहीं। कौन? अच्छा,
योगिनी माता सदा साथ रहेगी। किस रूप में, कौन से संबंध से? नारायण और लक्ष्मी, ये जो आत्माएं है ना, शूटिंग पीरियड में भी साथ ही लंबे समय तक कि नहीं? नहीं, लंबे समय तक साथी हैं या नहीं है? और नहीं भी साथी होती है तो देह का संबंध जो है वो किसी और से करती है क्या? नहीं करती ना। तो देह का संबंध तो सन्यासियों के साथ रहेगी तो भी सन्यासियों के साथ देह का संबंध तो नहीं करेगी ना। हाँ, नहीं करेगी। तो वो एक आत्मा ऐसी है लक्ष्मी और नारायण, जो जन्म जन्म है आत्मिक रूप में है एक के साथ रहने वाली। और योगिनी को कहा तो योगिनी तो कौन से धर्म का पूर्वज है? अरे वंश तो बताई दिए ना, सूर्य वंश, चंद्र वंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश, साकार में हाँ चंद्रवंश का बीज है ना। तो चंद्रवंश का जब बीज है तो चंद्रवंश का बीज क्यों हो गई? वो तो सूर्यवंश में जन्म लेती है। अरे सूर्यवंशियों में तो सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, या स्त्री का भाव आएगा? आना चाहिए। अगर आता है स्त्री का भाव तो आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज में पहुंचे या नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे। जब आत्मा आत्मा भाई भाई का भाव बनने लगे तो कहेंगे पक्के सूर्यवंशी हुए कि नहीं। और अगर पक्के सूर्यवंशी हैं, समझ में आ रहा है, पक्के सूर्यवंशी हैं, तो वो जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो जन्म जन्मांतर पुरुष ही रहेंगे क्या? देह के बगैर सुख भोगेगी आत्मा जन्म जन्मांतर की? नहीं, नहीं भोगे। तो फिर किसके साथ? क्योंकि जो सूर्यवंशी हैं वो सूर्यवंशियों में अगर चोला स्त्री चोला है, चोला तो स्त्री है लेकिन आत्मिक स्थिति पक्की है, इसलिए आत्मिक स्थिति पक्की होने के कारण भाई भाई हैं, लेकिन स्त्री चोला होने के कारण वो जो सिट्टा जोरी होती है जन्म जन्मांतर की, होती है कि नहीं? ऊंच कुल में जाती है कन्या है? कि कन्या नीच कुल में दी जाती है? ऊंचे कुल में दी जाती है। हा तो बताओ, जब सत्युग शुरू होता है या संगम युग में भी जो विजय माला बनेगी तो रुद्रमाला की आत्माएं कौन से माला के मणकों के साथ ऐड होंगी जो विष्णु रूप बने? विजय माला के साथ ऐड होंगी। तो जो अब्बल नंबर का मणका है वो तो प्रजापिता है, और उसके जो पक्के फॉलोअर्स होंगे उनका भी 12 का ग्रुप होगा कि नहीं? होगा ना, नहीं होगा? हाँ होगा। द्वयम नंबर का जो मणका है उसका भी ग्रुप 12 का होगा। तो जो योगिनी का ग्रुप है, दूसरे नंबर का मणका है, दूसरे नंबर का पूर्वज है ना, तो विजय माला में जो दूसरे नंबर की होती आत्मा उसके साथ संबंध जुटेगा या नहीं जुटेगा? हाँ जुटेगा। तो पूरे ग्रुप का 12 का ग्रुप उन 12 के साथ सिट्टा जोड़ी होती है। तो बताया कि वो जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब बनता है संघ का रंग का, क्या नहीं बनता है? हाँ बनता है। राधा है
और राधा के एकदम जो नई नजदीक होने वाली आत्माएं हैं, एकदम पक्की फॉलोअर, वो तो 11 आत्माएं और जो भी 12 का ग्रुप है तो वो तो अव्वल नंबर 12 के ग्रुप के साथ उनका हिसाब किताब बनता है, विष्णु रूप बनेंगे, नंबर बार बनेंगे ना। ऐसे ही जो दूसरे नंबर का बुद्धि जाती है कि नहीं, समझ रहे कि नहीं, दूसरे नंबर का जो मन का है सूर्यवंश में, उसका अपना ग्रुप होगा पक्के फॉलोअर्स का कि नहीं। हाँ, तो वो 12 का ग्रुप जो विजय माला है उसमें दूसरे नंबर का जो मणका होगा है, उनका 12 का ग्रुप होगा कि नहीं, उनके साथ हिसाब किताब बनता है। तो ये हिसाब किताब बन जाता है। सूर्यवंशी जो आत्माएं हैं वो हैं ऊंचते ऊंच, लेकिन आत्मिक स्टेज में है तो पक्की सूर्यवंशी, और आत्मिक स्टेज अगर जल्दी नहीं बनी, थोड़ा टाइम लग गया, तो फिर नंबर 2 होगा कि नहीं। तो नंबर 2 हो जाने के कारण विजय माला में जो नंबर 2 का ग्रुप है ना, उसमें जाकर के उनका हिसाब किताब जन्म जन्मांतर का बनता है। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों का सूर्यवंशियों में संयोग हो जाएगा जन्म जन्मांतर का, होगा नहीं, नहीं समझ में आया है? आया समझ में? हाँ आया, और मत क्लास करो टाइम से। सूर्यवंशियों का जो 12 का ग्रुप है ना, है ना, तो 12 के ग्रुप में 12 ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं ना, उनमें जो पहला ज्योतिर्लिंगम है वो कौन है? अव्वल नंबर। प्रजापिता है, तो उसका ग्रुप होगा कि नहीं, उसके पक्के फॉलोअर्स का ग्रुप। हाँ, वो पक्के फॉलोअर्स का ग्रुप भी 12 का है। ऐसे ही विजयमाला में जो अव्वल नंबर बड़का है उसका भी पक्के फॉलोअर्स का 100% फॉलोअर्स का ग्रुप होगा कि नहीं 12 का। तो जो 12 का ग्रुप होता है, उस 12 का ग्रुप का अव्वल नंबर जो पूर्वज है सूर्यवंश में, उनके साथ हिसाब किताब बनेगा कि नहीं जन्म जन्मांतर? हाँ बनता है। ऐसे ही जो रुद्रमाला का सेकंड नंबर का सूर्यवंश का मणका है, सूर्यवंशी है कि नहीं, तो उसका ग्रुप होगा 100% फॉलोअर्स का, नहीं होगा? होगा। तो जो 100% फॉलोअर्स का ग्रुप होगा, वो 100% फॉलोअर्स का ग्रुप, उसका फिर हिसाब किताब चंद्रवंशियों में कौन से ग्रुप से जुटेगा? विजयमाला में। अरे सूर्यवंशियों में जो फर्स्ट ग्रुप है उसका फर्स्ट के साथ हिसाब किताब जुड़ा। ऐसे ही सूर्यवंशियों में जो सेकंड नंबर है उसका जो फॉलोअर्स का ग्रुप है 100% फॉलोअर्स अच्छे अच्छे, तो उनका हिसाब किताब कौन से ग्रुप के साथ जुड़ेगा? विजयमाला में। दो नंबर के साथ जुड़ेगा ना, तो नहीं समझ में आ रहा? हाँ, तो जो 2 नंबर का ग्रुप है चंद्रवंशियों में, तो दूसरे नंबर का ग्रुप जो चंद्रवंशियों के नीचे होगा वो कौन से धर्म वाला होगा? चंद्रवंशियों में कौन से धर्म का हुआ जो नीचे गिरेगा, जिसमें जाकर के छिलका चढ़ेगा या जड़ बनेगा, आधार मूर्त बनेगा? क्योंकि चंद्रवंश में तो सारे ही आधार मूर्त है ना, राधा भी तो आधार मूर्त हुई ना, तो वो पहले नंबर का आधार मूर्त। ऐसे जो दूसरे नंबर का आधार मूर्त मड़का है, दूसरे नंबर का ग्रुप है आधार मूर्त, तो वो कौन से? हाँ, इस्लाम धर्म में जाकर के वो जाकर के आत्माएं जो है सेकंड नंबर ग्रुप वाली, वो इस्लाम धर्म से प्रभावित होने वाली।
सूर्यवंश में छिलका होगा, सूर्यवंश का छिलका चढ़ेगा। जो आधार मूर्त है वो छिलका नहीं, वो जड़ें ही बन जाएंगी। किसकी? इस्लाम वंशियों की जड़ें बनेंगी कि नहीं? हाँ बनेंगी। तो ऐसे हिसाब बनता है कि सूर्यवंशी सेकंड नंबर मण का कौन, सूर्यवंशी सेकंड नंबर मण का उसका सेकंड नंबर ग्रुप, सूर्यवंशी फर्स्ट नंबर का मण का उसका फर्स्ट नंबर का ग्रुप। अरे नहीं समझ में आ रहा। सूर्यवंशी जो फर्स्ट मण का है उसका 12 नंबर का जो ग्रुप बनेगा, बनेगा कि नहीं, तो वो फर्स्ट क्लास होगा कि नहीं, कि सेकंड वाले के साथ जोड़ देंगे उस ग्रुप को? नहीं, ऐसे ही तो सेकंड नंबर मण का है योगिनी है या योगी राज है? हाँ, योगिनी है तो वो जो रुद्र माला है, सूर्यवंशियों की माला है, उन सूर्यवंशियों आत्मा आत्मा भाई भाइयों के जो ग्रुप है उसमें पालना करने वाली माता तो पार्ट बजाती है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में माता होनी चाहिए सूर्यवंश में? नहीं, वो तो भाई भाई है, तो माता का पार्ट बजाया है। और वो माता जो है उसका हिसाब किताब जन्म जन्मांतर का भी बनेगा कि नहीं, उतरती कला के जो द्वापर कलयुग के युग हैं और जो सतयुग त्रेता में भी जो उतरती कला के नारायण हैं उनके राज्य में उनका हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा, उनके 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 छिलके बनेंगे कि नहीं, बीज रूप छिलके होते हैं कि नहीं? बीजों में छिलका नहीं होता है? हाँ, कोई का कड़क छिलका होता है, कोई का हल्का छिलका होता है। तो बताया कि वो जो सेकंड नंबर ग्रुप है वो सेकंड के साथ, फर्स्ट नंबर ग्रुप है वो फर्स्ट नंबर ग्रुप के साथ। बताया जो चंद्रवंशी राधा है वो चंद्रवंशी राधा है अपने फर्स्ट ग्रुप को लेकर के, जो फर्स्ट ग्रुप सूर्यवंशियों का है उसमें जो पार्ट बजाती है, तो वो बाहर है जो है वो किससे ज्ञान लेंगे डायरेक्ट? सबसे पहले से पहले ज्ञान सागर से ही लेंगे ना, कि ज्ञान सूर्य से लेंगे है? शिव से लेंगे, सदा शिव से, सदा शिव से डायरेक्ट कोई नहीं ले सकता, वो जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक। लेकिन पहले नंबर का नंबर होने का पहले लगेगा किसका? जो राधा के विजयमाला के ग्रुप में अव्वल नंबर ग्रुप है वो ज्ञान सागर के कनेक्शन में आएगा। तो वो सदगति दाता सर्व का ज्ञान का सागर साकार रूप में और निराकार रूप में एक ही है, और सर्व का सदगति दाता है। क्या इस दुनिया में जितने भी हैं मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र नहीं प्राणी मात्र, क्या चाहे मनुष्य हों, देवात्मा हों, राक्षस हों, पशु पक्षी हों, जानवर हों, कीड़े मकड़ो, सबकी सदगति आत्माओं की करेगा या कोई की करेगा, कोई की नहीं करेगा? सबकी सदगति करने वाला वो एक ही है, साकार भी है और भले जो सिर्फ निराकार है और सदा ही निराकार रहता है, सुप्रीम सोल शिव सदा शिव, वो 100 साल पार्ट बजा के वापस चला जाता है, फिर भी आप समान किसी को बना के जाता है कि नहीं? तो जिस मनुष्य सृष्टि के बाप को आप समान बना के जाता है उसके लिए बताया वो सर्व का सदगति दाता। सदगति साकार शरीर से होती है या बिना साकार शरीर के सदगति होती है? सदगति माने स्वर्ग, दुर्गति माने नरक। तो शिव को कहेंगे स्वर्गवासी, अतीन्द्रिय सुख का वासी है, वो अतीन्द्रिय सुख भी नहीं भोगता, अतीन्द्रिय सुख से भी परे और इंद्रियों के सुख से भी परे, और कर्मेंद्रियों के सुख से तो वो जाने का है ही नहीं,
और ऐसा गटर में पड़े रहते हो, बहुत बुरा बुरा बोलता है। तो बताया एक सदगति दाता। तो तुम बच्चों को भी समझाया जाता है ना कि बच्चे कि ये जो समझते हैं कि हमारे में ज्ञान है शास्त्रों का, चाहे बाहर की दुनिया वाले ऋषि मुनि समझते हैं, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के जो ऋषि मुनि ब्राह्मणों में बैठे हुए हैं, हैं कि हमारे अंदर शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है। जगदीश भाई ने मोटी मोटी शास्त्र लिखे ना, हाँ उन शास्त्रों को हमने बहुत है पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं? हाँ पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, और हम बहुत ज्ञानी हैं। हमको ज्ञान में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी जो हमारे से टक्कर नहीं ले पाएगा, तो ऐसे समझते हैं। तो वो है शूटिंग पीरियड के शास्त्री, और वो तो दुनिया वाले शास्त्री। तो उन विद्वान पंडित आचार्य शास्त्रियों से है, उनको कहेंगे उनका शास्त्र तो शास्त्रों का ज्ञान है, ज्ञान तो है लेकिन शास्त्रों का, मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों का ज्ञान है या भगवान जिस मुकर्रर रथ में आते हैं परमानेंटली वो ज्ञान है, चाहे शूटिंग पीरियड के ब्राह्मणों में और चाहे वो बाहर की दुनिया के ब्राह्मणों में। और शूटिंग पीरियड के ब्राह्मणों में भी बेसिक वाले भी हैं, एडवांस वाले भी। एडवांस वालों में भी है, क्या वो शास्त्रों का ज्ञान है या नहीं है? शास्त्रों का ही ज्ञान है या वो ज्ञान है, है जो ज्ञान वास्तव में शिव बाप देते हैं, अखूट ज्ञान का भंडार, एक एक आत्मा के 84 जन्मों की कथा कहानी सारी डिटेल में सबको पता चलती है या नहीं चलती है, उसको कहेंगे ईश्वरीय ज्ञान। तो अब वो ईश्वरीय ज्ञान अगर नहीं प्राप्त हुआ अपनी आत्मा के, अपना आत्मा रूपी रिकॉर्ड के 84 जन्मों का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो शास्त्रों का ज्ञान हुआ, विद्वान पंडित आचार्यों से सुना हुआ ज्ञान हुआ या ईश्वरीय ज्ञान कहेंगे? कहेंगे ईश्वरीय ज्ञान? नहीं कहेंगे। तो वो हुई भक्ति। ज्ञान नहीं है तो क्या हुई? वो सब है भक्ति। इसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो, इसको दोस्त बनाओ, उसको दोस्त बनाओ, इसे दोस्त की बात ज्यादा माननी है, उसकी बात उसकी, उसकी बात नहीं माननी है। क्या क्या कहेगा? हाँ सही कहता, हाँ भगवान तो सही बात बोलता है। तो बोला ये है सब भक्ति। क्या है भक्त? क्या करेंगे? भक्त बनाएंगे या ज्ञानी बनाएंगे? ज्ञानी का मतलब ये है, ज्ञानी का मतलब बताया, ज्ञानी वो जो सब कुछ जानने का इच्छुक है। ज्ञानी वो किसको? जो गीता में कहा क्षेत्र और क्षेत्र के कहा जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाए। क्षेत्र माने शरीर, शरीर रूपी क्षेत्र में आत्मा रहती है ना, जमीन है ना, ये धरणी है कि नहीं? शरीर, इस धरणी में आत्मा रहती है। तो अर्जुन हुआ क्षेत्र, दुनिया का बहुत बड़े से बड़ा क्षेत्र हुआ कौन? चैतन्य क्षेत्र अर्जुन। उस क्षेत्र को पहचानना और उस क्षेत्र में क्षेत्री जो उस क्षेत्र को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर है, क्या भगवान दिखाते हैं कि अर्जुन के रथ को किसने कंट्रोल किया? भगवान। तो वो भगवान साकार नहीं होता कभी भी, वो सदैव निराकार है, सदा शिव है, सदैव कल्याणकारी, कभी अकल्याणकारी किसी आत्मा का बनता ही नहीं। तो उसको भी पहचान लिया एक ही शरीर में, उस मुकर्रर था, दोनों को पक्का पक्का पहचान लिया तो ज्ञानी, ज्ञान पूरा हो गया। और एक सेकंड भी माया ने हिलाई दिया और अनिश्चय आ गया तो क्या ज्ञानी कि अज्ञानी? फिर बाद में कहते हैं हमको तो क्या हो गया, हमको तो कुछ हो गया था,
क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया। और डिप्रेशन में आने के कारण हम गलत फहमी में आ गए। तो एक सेकंड भी अगर माया ने गलत फहमी में लाया, भले बाबा समझाते रहे, भाई जल्दी मत करो, तुरंत का तुरंत फैसला लेना हो, तुरंत तुरंत बेड़िया बिस्तर बांधना और भाग जाना हाँ बाबा के घर में से, ये अच्छी बात नहीं है। क्या करना चाहिए? सोच समझ के फैसला करना चाहिए ना, कि तुरंत करना चाहिए। कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का। तो शैतानी आत्मा होगी तो फिर सारी दुनिया शैतान बन जाती है। शैतान होने रहा, मुसलमान लोग नाम रखते हैं शैतान, और भारत में नाम रखते हैं रावण। तो अभी राम रावण की रस्सा कसी हो रही है, राम अपनी तरफ खींचता है और रावण अपनी। एक सेकंड भी अगर बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया रावण ने, माया रूपी रावण ने, तो क्या होगा? एकदम गड्ढे में ले जाता है। हाँ, तो भक्ति और ज्ञान को समझ लिया ना, भगत और ज्ञानी कौन है वो समझ लिया ना। हाँ, ओम शांति।